हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रथमेश। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रील्स बनाते हो इंस्टाग्राम पर, उससे ग्रो होना चाहते हो, रील्स को व्यूज़ लाना चाहते हो, रील्स ही नहीं बाकी आप दूसरे भी किसी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाते हो तो कैसे ये होता है। ये सभी का एक ही होता है कि ये अपने एल्गोरिथम पर वर्क करके, एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, सेट क्या होता है, इतने वीडियोज़ के बाद इस आदमी को हम प्रमोट करेंगे, ऐसा इन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया होता है। तो इस एल्गोरिथम को कैसे क्रैक करते हो तो बताऊंगा। तो क्या करना है आपको, इंस्टाग्राम पर अगर आप रील्स बनाते हो तो अच्छे अच्छे हैशटैग यूज़ करने, कुछ सेटिंग्स होती है जिससे कि आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। तो वो सेटिंग क्या होती है, चलिए आज के स्टूडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जब इंस्टाग्राम में आओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, रील्स सर्च कर देना है। देखिए यहाँ पर ये जो होता है रिकमेंड ऑन फेसबुक, इसको चालू कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो वीडियो हो गए, जो फेसबुक में भी आजकल रील का ऑप्शन आ गया है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो ऑप्शन है रील्स का, इसमें भी आपके रील शो होंगे। रील्स का ऑप्शन यहाँ पर होता है, देखिए यहाँ से, ये देखिए ये भी फेसबुक के रील एक दूसरे को अटैच होती है, ये भी आपको व्यूअर्स दिला सकती है। और इधर ये देखिए, ये जो इनेबल रीमिक्सिंग का ऑप्शन होता है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए तो कि आपके ये रील्स पर कोई दूसरे लोग ये भी बना सकते हैं, तो इससे कि आपके रील्स ये होंगे। और हैशटैग भी आपको वायरल होने वाले यूज़ करने हैं, जो कि मैंने यहाँ पर पेस्ट करके रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ हैशटैग आपको चुनने, हैशटैग कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे रिसर्च करना है, वो मैंने आपको एक वीडियो में बताएंगे, उसका लिंक मैं यहाँ बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप चैनल पर ढूंढ के देख सकते हो। तो यही होता है तरीका इंस्टाग्राम पर ग्रो होने का रील्स के माध्यम से। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।